हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका चैप्टर 2 है। देखो, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स क्या होते हैं, वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना फूड अपने से नहीं कर बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो एनिमल्स जो है वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। सम एनिमल ईट प्लांट्स डायरेक्टली, वाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट को डायरेक्टली ईट करते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल को ईट करते हैं, जैसे कि कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को ईट करता है। दस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से फूड या तो डायरेक्टली मीन्स या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट आवश्यकता किस लिए होती है, एक तो सर्वाइवल जीने के लिए, दूसरा ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड, अगर न्यूट्रिशन है तो फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह है ना। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को खाना और उसका बॉडी में यूज़ करना, ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, वैसे तो एनिमल में न्यूट्रिशन की प्रोसेस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन जो भी हम लोग फूड खाते हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, मीन्स पाचन होता है। तो डाइजेशन या पाचन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मतलब क्या होता है, जो फूड को हम लोग अपने माउथ में ले जाते हैं ना, खाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में। माउथ से फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में हमारा सेकेंड स्टेप यानी डाइजेशन होता है। फिर फूड का डाइजेस्ट होने के बाद, यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, अब उनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कर लिया जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था वो कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड से वो पहुँचा दिया जाता है सेल में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एसिमिलेशन कहलाता है। फिर सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उस एनर्जी का यूज हम अपने दिन भर के कामों में करते हैं। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो बचे हुए वेस्ट फूड मटेरियल होता है डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो इजेशन कहलाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब देखो, अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग हैबिट होती है फूड को लेने की या खाने की, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से फूड लेते हैं। जैसे हमिंग बर्ड, सबसे छोटी बर्ड होती है ना हमिंग बर्ड, ये क्या करती है, नेक्टर को, प्लांट के नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, जो उसका रस होता है, ठीक है, प्लांट के रस को चूसती है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक
फूड इन डिफरेंट वेज, अभी बताया अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से फूड लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग अपने हैंड का यूज़ करता है फूड को अपने माउथ में लेने के लिए ना, ह्यूमन बींग यूज़ देयर हैंड टू पुट फूड इन टू देयर माउथ, अपने माउथ में लेता है एंड सॉलो द फूड आफ्टर चुइंग, और पहले उसको चुइंग मतलब चबाता है और अच्छे से चबाने के बाद सॉलो करता है फूड को, यानी निगल लेता है। तो एनिमल में ये हैबिट होती है फूड को लेने की। और नेक्स्ट बात करें इन्फेंट बेबी, इन्फेंट बेबी मतलब जो नवजात शिशु है ह्यूमन का, ठीक है, एंड मैनी अदर एनिमल या फिर किसी और दूसरे एनिमल के नवजात शिशु या इन्फेंट जो चाइल्ड होते हैं, फीड अपॉन देयर मदर मिल्क बाय सकिंग देम। तो ये किससे फूड लेते हैं, अपने मदर के मिल्क से फूड लेते हैं। नेक्स्ट बात करें स्नेक की, तो स्नेक क्या करता है, स्नेक सॉलो द एनिमल दे प्रे, प्रे मतलब शिकार, ठीक है, अपॉन विदाउट चुइंग देम। तो जो स्नेक होता है वो अपने शिकार यानी एनिमल, दूसरे एनिमल को सीधा निगल लेता है, स्वालो कर लेता है बिना चबाए, चबाता नहीं है उसको, सीधा स्वालो कर लेता है मींस निगल लेता है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट फ्रॉग, फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग की जो टंग होती है देखा होगा लंबी सी होती है और उसमें एक स्टिकी सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, तो उस अपने टंग से वो प्रे को यानी अपने शिकार को अपनी टंग पर चिपका करके अंदर ले लेता है, ठीक है। अ फ्रॉग कैप्चर प्रे विथ इट स्टिकी टंग, तो फ्रॉग कैसे अपने प्रे को कैप्चर करता है, स्टिकी टंग के थ्रू कैप्चर करता है। नेक्स्ट अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है और उस मस्कुलर फेरिंग्स से ना एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को सॉलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर अपने शिकार या प्रे को फंसाने के लिए वेब यानी जाल बुनता है, स्पाइडर वीवी मतलब बुनना, ठीक है, स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक, जिसमें क्या होता है स्मॉल इंसेक्ट फंस जाते हैं उसके वेब में। सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ एक्वेटिक एनिमल की बात करें, फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय फीड अपॉन देम, वो क्या करते हैं कुछ टिने पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिससे क्या होता है उनके आसपास जो छोटे एनिमल होते हैं वो थोड़ा बेहोश हो जाते हैं और फिर उनको ये खा लेते हैं। ओके, अब देखो एनिमल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर एनिमल होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है और दूसरा मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टीसेलुलर एनिमल में जो फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। इंगल्फ टाइनी पार्टिकल्स, इंगल्फ टाइनी पार्टिकल ऑफ फूड बाय यूजिंग देयर स्यूडोपोडिया, ये हम फॉल्स फूड होते हैं, सॉरी फॉल्स फीट होते हैं ना किसके, अमीबा के, ये दिख रहे हैं इसमें ये छोटा सा फूड भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपने फॉल्स फूड को आगे की ओर, स्यूडोपोडिया को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इधर देखो फूड को चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है, उसको अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू चारों तरफ से घेर लेते हैं। देन फॉर्म फूड वैक्यूल, और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दिख रहा है, और इस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो कह सकते हो जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये अमीबा क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये बाहर निकाल देते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल में देखा आपने किस तरह से कि अपनी एक ही बॉडी से
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और किसी दूसरे ऑर्गेन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, खुद ही इनकी बॉडी इतनी छोटी होती है, इसलिए इनकी बॉडी में किसी भी तरह का स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। एक सिंगल सेल में ही ये फूड को कह सकते हो इंजेस्ट करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसी में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन के बाद इजेशन यानी बाहर निकाल देते हैं अपने फूड प्रोडक्ट को। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुकोशिकी जंतु, ऐसे एनिमल जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है, जैसे हाइड्रा हो गया। हाइड्रा में क्या होता है, न्यूमरस टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं, मान लो कि ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, इस तरह से थोड़ा होता है, ठीक है, और ये हाइड्रा के क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, और इन टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल पाई जाती है, और ये स्टिंगिंग सेल क्या होती है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रा देयर आर न्यूमरस टेंटिकल, कई सारे टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं ना इसके माउथ के पास। हाइड्रा यूजेस टेंटिकल सराउंड इट्स प्रे, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को यूज़ करता है किस लिए, प्रे को सराउंड करने के लिए, प्रे को घेरने के लिए, ठीक है, अपने प्रे को, एंड किल देम विथ इट्स स्टिंगिंग सेल, और ये अपने प्रे को अपनी स्टिंगिंग सेल में पाए जाने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस के थ्रू क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। देन द पुश्ड इनसाइड बॉडी कैविटी और फिर टेंटिकल्स से पकड़ करके फूड को अपने माउथ के अंदर अपनी बॉडी में ले लेता है। तो इसलिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हाइड्रा होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और वो अपने फूड को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स का यूज़ करता है। टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल पाई जाती है और स्टिंगिंग सेल में टॉक्सिक सब्सटेंस भरा होता है, और जिससे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को जिससे ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं और अपने प्रे को किल कर देते हैं, और फिर ये टेंटिकल्स के थ्रू फूड को अपने माउथ से अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स न्यूट्रिशन की प्रोसेस में फूड को किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से डाइजेशन या फिर कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, थैंक यू।